दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट्सएप ऐप से अगर आपके फोन में फोटो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, कौन सी ऐसी सेटिंग है जिसके जरिए आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको क्या सेटिंग करनी होगी, आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा या आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग से ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है किसी भाई के मोबाइल में सेटिंग में प्रॉब्लम हो और किसी भाई के मोबाइल में व्हाट्सएप ऐप की सेटिंग में प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में मैं दोनों सेटिंग के बारे में बताऊंगा और जो मैं आपको लास्ट वाली सेटिंग बताऊंगा उसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बिल्कुल आपको उस सेटिंग को ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपने मोबाइल के होम पेज में आते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल सेटिंग के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक फीचर ढूंढना है जिस फीचर का नाम है एप्स। अगर आपके फोन में एप्स फीचर नहीं दिखाई देता है तो मैं आपको दूसरे फोन में बता देता हूँ अगर आपको एप्स फीचर नहीं दिखाई देता है तो आपको सेटिंग में जाने के बाद क्या करना है। हम यहाँ पर इस मोबाइल की सेटिंग में जाते हैं क्योंकि इस मोबाइल की सेटिंग में ऐप फीचर नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर आपको ये फीचर किसी और नाम से दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे आपको एक फीचर दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट। यहाँ पर इस फोन में ये जो फीचर है ये ऐप के नाम से है और इस फोन में जो ये फीचर है ये ऐप मैनेजमेंट के नाम से है। तो अगर आपको ऐप ना दिखाई दे तो आपको ऐप मैनेजमेंट पर टच करना है। हम यहाँ पर ऐप पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे इस फोन में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पर अगर हम मैनेज ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। आप देख रहे हैं दोनों फोन की सेटिंग डिफरेंट है, लेकिन जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ दोनों फोन में आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको इस फोन में मैनेज ऐप पर क्लिक करना है और इस फोन में आपको ऐप लिस्ट पर टच करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोन में यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है सभी एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो चुके हैं। दोनों फोन में आपको व्हाट्सएप ढूंढना है, इस फोन में हमें मिल चुका है और इस फोन में भी हमें यहाँ पर सबसे नीचे कहीं ना कहीं व्हाट्सएप मिल जाएगा क्योंकि इस फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं। तो आप देख रहे हैं मुझे व्हाट्सएप ढूंढने के लिए कितना नीचे जाना पड़ रहा है। वैसे ढूंढने में बहुत ही समय लग जाएगा, टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं व्हाट्सएप। हम यहाँ पर सर्च करते हैं व्हाट्सएप। हमने यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च किया तो हमें व्हाट्सएप आसानी से मिल चुका है। अब हम यहाँ पर व्हाट्सएप पर टच करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने इस फोन में ये सेटिंग आ चुकी है। आपको यहाँ पर एक फीचर ढूंढना है जिस फीचर का नाम है रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज। आपको सिंपल यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज पर टच करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मोबाइल की सेटिंग से व्हाट्सएप का जो इंटरनेट है वो बंद हो चुका था। अब हमें अपने मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद अपने व्हाट्सएप के इंटरनेट को चालू करना है। इसके लिए हम यहाँ पर मोबाइल डाटा के सामने इस गोल से आइकन पर टच करेंगे तो हमारे जो सिम का इंटरनेट है वो व्हाट्सएप में चालू हो चुका है। वाईफाई का इंटरनेट हमें व्हाट्सएप में चालू करने के लिए यहाँ पर इसके सामने एक बार टच करना है। अब हम यहाँ पर ओके पर टच कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो फोन की सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर आपका फोन थोड़ा सा हैंग हो रहा है, स्लो चल रहा है या फिर स्लो चलने की वजह से आपका फोटो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग और दी गई है क्लियर डाटा। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद केवल क्लियर कैच पर टच करने के बाद यहाँ पर ओके पर टच करना है। अब आपको यहाँ पर इस सेटिंग से बाहर आ जाना है। मैं यहाँ पर इस फोन में भी सेटिंग से बाहर आने के बाद व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें दोबारा व्हाट्सएप को ओपन करना है। अब हम यहाँ पर व्हाट्सएप में एक सेटिंग करेंगे जिसकी वजह से आपका फोटो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पर टच करना है। सेटिंग में आने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ फीचर आ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल दिलशाद हमारा नाम आ रहा है। अकाउंट की सेटिंग हमें यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर आपको प्राइवेसी सेटिंग दी गई है और यहाँ पर आपको चैट सेटिंग दी गई है, यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग दी गई है और यहाँ पर स्टोरेज एंड डाटा सेटिंग दी गई है, यहाँ पर ऐप लैंग्वेज सेटिंग दी गई है, हेल्प सेटिंग दी गई है। अब हमारे सामने यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, हमारे सामने इतनी सारी सेटिंग है, अब हमें कैसे पता लगेगा जो हमारा फोटो डाउनलोड नहीं हो रहा है वो सेटिंग इनमें कौन से फीचर में है। अब यहाँ पर जो व्हाट्सएप पर कोई हमें फोटो भेजता है तो वो हमारे स्टोरेज में सेफ होता है, फाइल मैनेजर में सेफ होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टोरेज एंड डाटा पर टच करेंगे। अब आपको यहाँ पर स्टोरेज से रिलेटेड तमाम सेटिंग दी गई है। आप यहाँ पर स्टोरेज से रिलेटेड तमाम सेटिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है वो ऐसी कौन सी सेटिंग है जिसके खराब होने से हमारा फोटो डाउनलोड नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको एक मीडिया ऑटो डाउनलोड सेटिंग दी गई है क्योंकि हमारे मोबाइल में फोटो डाउनलोड करने की ही प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें सबसे ऊपर एक फीचर दिया गया है विन यूजिंग मोबाइल डाटा। आपको यहाँ पर टच करना है। अब यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। आपको केवल यहाँ पर फोटो के आइकन पर एक टच करना है और एक छोटा सा टच करने के बाद आपकी तमाम टेंशन दूर हो जाएगी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगी।
जाएगी। आपको यहाँ पर ओके पर टच करना है। अगर आप चाहते हैं जब आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हो तब भी आपका जो फोटो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए तो आपको यहाँ पर टच करना है और यहाँ पर एक बार टच करना है। उसके बाद ओके पर टच करने के बाद आप यहाँ से बैक आ जाइए और यहाँ से दोबारा बैक आने के बाद व्हाट्सएप के होम पेज में आने के बाद उस चैट को ओपन कीजिए जहाँ से आपका फोटो डाउनलोड नहीं हो रहा था। हम यहाँ पर एक बार टच करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो हमारा फोटो है वो डाउनलोड नहीं हुआ है, लेकिन अब हम दोबारा इसे डाउनलोड करने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर एक बार टच कर देते हैं तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारा जो फोटो है जो डाउनलोड नहीं हो रहा था अब वो डाउनलोड हो चुका है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यार आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने में शर्माया मत कीजिए, दिल खोलकर वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री होता है, बस अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।